आज आप हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए आए थे ना? जी हाँ. कांग्रेचुलेशंस मिस अनिका, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब. सच में? थैंक यू सो मच. यू वेलकम. ये नौकरी मेरे लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं है. किस्मत ने दोबारा मुझे अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दिया है. अब मुझे पीछे नहीं देखना, आगे देखना है. साहिल की जिंदगी बनानी है, खुद की एक अपनी नई पहचान बनानी है. पूजा करवा लेते हैं. उस लड़की का पूरा साया तो इस घर से टलेगा. आई जस्ट कांट बिलीव दिस पिंकी. तुम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए शिवाय की लाइफ के साथ खेल रही हो. आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही जेठानी जी? ओहो, तुम दोनों बहस करना बंद करोगी. रागिनी, कहाँ हो तुम? सामने आओ रागिनी. अरे ये क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी? स्माइल कर रही है? मॉम, ये सिर्फ मेकअप है. वैसे ये रियल लग रहा है ना? हाँ, लेकिन ग्रेट, दैट्स इट. रागिनी, ये पागलपन का मतलब क्या है? मॉम कुछ नहीं, मुझे भी निकलना, मैं आपसे बाद बात करती हूँ, ठीक है? रागिनी. अच्छा हाँ सुनो, घर का इंटीरियर शुरू हो गया है. इंटीरियर डेकोरेटर ने बोला है कि 3 महीने में घर रेडी हो जाएगा. ओके चलो बाय बाय. पागल है. नो मिश्रा, दैट्स माय फाइनल ऑफर. वो लोग डील साइन करते तो ठीक है, नहीं तो हम उनके कंपेटिटर्स के पास चले जाएंगे. ओके सिंगल अगेन. गेट रेडी शिवाय सिंह ओबेरॉय. अब तुम ज्यादा दिनों तक सिंगल नहीं रहोगे. मामी जी, मैंने गुरु जी से बात कर ली है. वो कल ही आ रहे हैं हवन करने के लिए. बस एक बार ये हवन हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा. मैं खुद अपने बच्चे के लिए बहू ढूंढ कर लाऊंगी इस बार, जो मेरे शिवाय के लिए हर मायने में परफेक्ट होगी. नाम, खून, खानदान सब होगा उसके पास. जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं ले सकते. I won't let you do that. तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मेरे बेटे की जिंदगी का फैसला लेने वाले. दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर करने से पहले अपने खुद की जिंदगी को सॉर्ट आउट करो. खुद से शादी नहीं संभाली गई, दूसरों को संभालने की बात कर रहे हो. जब से अनिका गई है तुम जीना भूल गए हो, और तुम मेरे बेटे की जिंदगी की बात कर रहे हो.
रहा नहीं गया, इसलिए तुझे फोन कर रही हूँ। पता है तुझे परेशान कर रही हूँ, पर क्या करूँ? माँ, अपने बच्चे की हालत देखी नहीं जा रही मुझसे। बहुत गुस्से में निकला है, वो भी बाइक पे। पता नहीं, डर लग रहा है कहीं कुछ करना बैठे। तू ही शिवाय को रोक सकती, प्लीज मेरी बात का मान रख ले, प्लीज। मैं समझ गई। से नौकरी के लिए धक्के खा रही। इस बार तो ऑफर लेटर भी मिल गया था, लेकिन फिर वो एक 2 रुपए स्टोरी। सॉरी, हम आपको ये नौकरी नहीं दे सकते। तो ये कौन सी दुनिया की आखिरी नौकरी थी? ये नहीं तो कोई और मिल जाएगी ना। 3 महीनों से तेरे ऊपर बोझ बनी हुई। क्या बोझ? खबरदार जो दोबारा ऐसी बात की। भूल गई तूने कितनी बार मेरी हेल्प की है? तू जब तक चाहे मेरे घर रह सकती है अनिका। थैंक यू चंदा, जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं तुझे 3 महीनों का किराया और जो भी रहने खाने का खर्चा हुआ है ना, वो सब दे दूंगी। सब छोड़ अनिका, अभी तो तू साहिल के बारे में सोच, और ये सोच कि उसकी बोर्डिंग स्कूल की फीस कैसे भरेगी तू। वही तो सबसे बड़ी टेंशन है। नया टर्म बस शुरू होने वाला है, और कैसे ना कैसे करके मुझे साहिल के फीस का बंदोबस्त करना होगा। तू टेंशन मत ले, कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा ना। थैंक यू रागिनी, तू शिवाय को वापस ले आई, वरना मेरी तो डर के मारे उमा माता और रखी थी कि पता नहीं क्या कर बैठेगा। पता है बचपन में वीडियो गेम्स में भी गाड़ी स्पीड लिमिट में चलाता था, लेकिन अब तो जैसे अपनी जान का दुश्मन बन बैठा है। अपनी लाइफ की फिक्र ही नहीं रही उसको, ये भी नहीं सोचता कि इसकी माँ पर क्या गुजरती है। तेरा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। थैंक यू। हाँ आंटी, एहसान नहीं किया है मैंने, बस दोस्ती निभाई है। एक्चुअली मेरी और शिवाय की मुलाकात एक एक्सीडेंट थी, एक हादसा था। लेकिन कौन कहता है कि हादसे खूबसूरत नहीं होते? अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो मेरी और शिवाय की दोस्ती नहीं होती, है ना शिवाय? ऑफ कोर्स रागिनी। So now we are friends, तो तुम मेरी बात मानने से इनकार नहीं कर सकते। सब बातें मानेगा ही, मानेगा, है ना? कौन सी बात? कल मेरी और सिद्धार्थ की एंगेजमेंट है, और ये एंगेजमेंट तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरी होगी। एक्चुअली ये तुम्हारी वजह से तो हो रही है। मेरी वजह से? Yes. एक्चुअली मैंने तुम्हें बताया नहीं, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तब मैं 2 दिनों के लिए इस घर में रह रही थी। तब मुझे थोड़ा वक्त मिला अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचने का, थोड़ी क्लैरिटी मिली, और मेरा और सिद्धार्थ का पैचअप हो गया, एंड इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू। मैंने कुछ नहीं किया। तो तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन एक्चुअली नानी कहती हैं कि ऐसे लोग ना दूसरों के लिए बड़े लकी होते हैं। कैसे लोग? ऐसी आंखों वाले। Actually, वो कुछ वर्ड यूज करती थी नानी। यस, कंजी आंखों वाली। कंजी आंखों वाले आप ना एक नंबर के बिल्लू हो। बिल्लू की शादी होगी, बिल्लू दूल्हा बनेगा। बिल्लू बिल्लू बिल्लू। अभी डोंट से दैट वर्ड अगेन रागिनी, डोंट से इट। ओके, मुझे नहीं पता था तेरी एंगेजमेंट हो रही है। Congratulations.
शिवाय मिला तेरे सिद्धार्थ से? इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि वो आए। सॉरी रागिनी, लेकिन पार्टीज में नहीं जाता। But I wish you all the best. But Shivai, you have to come. Sorry. फिकर मत, मैं भेजूंगी शिवाय को। थैंक यू। गेट रेडी शिवाय सिंह ओबेरॉय। अब तुम ज्यादा दिनों तक सिंगल नहीं रहोगे। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें याद रहना चाहिए ना कि हम जवानी में कैसे दिखते थे। आमी, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो कैसे लगेगी? हाँ, ऐसे ये सफेद सफेद बाल, यहाँ झुर्रियाँ, रिंकल्स और मुंह में दांत ही नहीं हो, क्यूट लगोगी तुम। गम को हराना है तो हाथ में शराब हो, कड़वी लगे शराब तो फिर चाय बेहिसाब हो। नहीं, थैंक यू। प्याले सस्ते महंगे होते हैं, चाय तो हमेशा कीमती होती है। वैसे मैं अजनबियों से बात नहीं करता, लेकिन आपको देखा तो ऐसा लगा कि आपको इसकी जरूरत है। लीजिए, प्लीज। गम एक समुंदर है जहाँ कभी भंवर आते हैं, कभी लहरें उठती, तो कभी सब कुछ खामोश हो जाते। इस समंदर में तैरना सीख लीजिए, जीना सीख जाएंगे। आपने सीख लिया होता तो यूं भरी दोपहर में ऐसे शराब नहीं पीते। फिर दूर कोई तारा टूटा, फिर इश्क ने ली अंगड़ाई, आज फिर तेरी महफिल में मैं हूं, गम है तन्हाई। सर, मैडम ने आपको बुलाया है। प्लीज सर, मैं माजी को और टाल नहीं सकता, प्लीज चलिए। समर को सहारे की जरूरत थी। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।